You are watching HFAD News. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद अकरम। मुल्की और बैनुल अक्वामी खबरों पर मुश्तमिल मुख्तसर बुलेटिन। वज़ीर आज़म ने कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क भर में ग्राउंड्स का जाल बिछाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 300 और पंजाब में 260 ग्राउंड्स बना चुके हैं। कोशिश है पाकिस्तान आलमी मुकाबलों में भरपूर हिस्सा ले। ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र NCOC ने कैटेगरी सी के ममालिक के मुसाफरों पर हवाई सफर पर पाबंदी आयद कर दी। एमरजेंसी सफर की सूरत में हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ इस्तिथना का सर्टिफिकेट लाजमी होगा। सियाचिन में पाक फौज का एविएशन हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 2 मेजर शहीद हो गए। लाहौर में बारिश ना होने की वजह से फिजा जहर आलूद। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। आज भी आलूदगी की आलमी इंडेक्स में लाहौर सरे फहरिस्त। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत मलेशिया में तामीर हो रही है। कोलालमपुर में 118 मंजिला इमारत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बआसानी नजर आ जाती है। मजीद मालूमात और वीडियोस के लिए हमजा फाउंडेशन के YouTube चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।